subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वंडर रोबोटिक्स एंड टेक्निक्स में आपको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यूटेलसेट 9 ईस्ट के यू बैंड सेटेलाइट पर है। फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप नॉर्मल LNB पर इसको ट्रैक करके दिखाएं, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक अल्ट्रा LNB को यूज़ किया है फ्रेंड्स, और मेरे पास मैं आपको इसकी आसान TP पर इसकी सिग्नल क्वालिटी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं इसमें नॉर्मल LNB को यूज़ करूँगा और आप इसका खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम LNB में और लेज़र LNB में कितना फ़र्क है। फ्रेंड्स, दिन की रोशनी की वजह से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये नज़र आ जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर 91 और 92 सिग्नल्स आ रहे हैं मेरे पास इस TP पर, और TP को भी आप नोट कर लें। फ्रेंड्स, ये देखिए ब्लैक अल्ट्रा LNB पर इस TP पर मेरे पास 91 और 92 सिग्नल बिल्कुल क्लियरली आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये चैनल चल रहा था लव नेचर, तो अब मैं इसमें आम LNB को यूज़ करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि इस TP पर कितने सिग्नल आते हैं और लव नेचर चैनल चलता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम ने इस LNB को उतार कर यहाँ पर नॉर्मल LNB को लगा दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये आम LNB है जो आप मार्केट में से 250 या 300 में ख़रीद सकते हैं, और अब आपको मैं इस LNB पर इस सेटेलाइट के सिग्नल दिखाऊंगा जो TP आपने अभी देखी, ये देखिए, और ये 4 फीट की डिश एंटीना भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए ये ब्लैक अल्ट्रा LNB जो मैंने इस डिश एंटीना से उतार दिए फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर नॉर्मल LNB लगाई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो पहले TP थी उसी TP पर कितने सिग्नल आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ साफ दिखाऊं, ये देखिए ये वही TP है, और मेरे पास नॉर्मल LNB पर भी इस TP पर 90 और 92 सिग्नल ही आ रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी कुछ और बाकी है फ्रेंड्स। अब मैं आपको चैनल जो लव नेचर चैनल था फ्रेंड्स वो दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर लव नेचर चैनल नहीं चल रहा है और नो सिग्नल लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो लेज़र LNB में और आम LNB में इतना ही फ़र्क है जो आप अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए अगर आप इस सेटेलाइट के सारे चैनल देखना चाहते हैं तो आपको लेज़र LNB ही यूज़ करनी होगी फ्रेंड्स। आइए आपको मैं बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैं ये सारी TPs जो मुझे लेज़र LNB पर रिसीव हुई थी वो इसमें से डिलीट करके मैं इससे दोबारा ब्लाइंड स्कैन करता हूँ, और देखते हैं कि हमारे पास इस नॉर्मल LNB में कितनी फ्रीक्वेंसीज और कितने चैनल आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इस सेटेलाइट को ब्लाइंड स्कैन कर दिया है फ्रेंड्स, और मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास इस सेटेलाइट की 11 TPs रिसीव हो चुकी हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसे सेव कर लेता हूं, और आइए आपको मैं ये चैनल्स दिखाऊं फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। ये देखिए यहां पर मेरे पास 59 चैनल्स रिसीव हो गए हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको ये चैनल दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। ये देखिए ये चैनल्स कुछ खास अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने कहा था कि हमें नॉर्मल LNB पर इस सेटेलाइट को ट्रैक करके दिखाएं, तो फ्रेंड्स नॉर्मल LNB पर सिर्फ इतने ही चैनल आ रहे हैं। अगर आपको इसके सारे चैनल देखने हैं तो आपको लेज़र LNB यूज़ करनी होगी फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।